हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन ढाका में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चीज़ रोल। पनीर चीज़ रोल जो होते हैं वो कई तरीके से बनते हैं, जिनका बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ये मैदे से भी बनते हैं। मैं आज आपको गेहूँ के आटे से पनीर चीज़ रोल बना के बताऊँगी। और फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और गेहूँ के आटे से जो बनते हैं वो टेस्टी तो होते ही हैं और हेल्दी भी होते हैं, और ये सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, आप स्नैक्स टाइम में कभी भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ वीडियो में कि क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे बनेंगे। ये मैंने फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये प्याज लिए हैं जिनको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं, और एक मैंने लहसुन की कली ली है जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज और लहसुन को हम ऑयल में डालेंगे और इनको अच्छे से सुनहरा होने तक इनको भून लेंगे। तो प्याज मैंने डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मैं सोटे करते हुए और अच्छे से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने ये शिमला मिर्च ली है जो मैंने जिसको भी मैंने प्याज के जितना लंबा लंबा कट कर लिया है, इसको भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी और इसको भी मैं इसके साथ ही पका लूँगी। प्याज और शिमला मिर्च को मैं जब तक ये नरम नहीं हो जाते तब तक मैं इनको तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और देखिए, ये इनका हल्के हल्के से सुनहरे होने लग गए हैं, इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है। तो ये देखिए, एकदम से अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अभी मुझे क्या करना है, इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक और हल्दी के साथ भी मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो एक चम्मच मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा एक पिंच मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी और नमक के साथ मैं प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई करूँगी, और नमक से जो है अच्छे से गल जाते हैं प्याज और शिमला जो भी होता है, शिमला मिर्च, लहसुन, टमाटर। तो प्याज और इसको शिमला मिर्च को गलाने के लिए मैंने हल्दी और नमक डाला है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हल्दी और नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये देखिए प्याज और जो शिमला मिर्च हैं वो हमारे हल्के हल्के से भून गए हैं। तो मैं इसमें डाल देती हूँ अभी लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और ओरिगेनो भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी एक चम्मच। और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अमचूर पाउडर, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो खट्टी मीठी बने। और अमचूर पाउडर के बाद में मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच चीनी की और आधा नींबू। नींबू और चीनी से जो हमारी स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छी, और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक हो जाता है। तो मैंने नींबू डाल दिया है आधा, और अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इनको सबको, और ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अभी मैंने एक चीज़ और पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया था, एक कटोरी दोनों को मिक्स करके एक साथ ही। तो ग्रेट किए हुए पनीर और चीज़ को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा। ये देखिए, दोनों को एक जैसा मैंने इसमें ग्रेट कर दिया था बारीक बिल्कुल, और थोड़ी सी चीज़ को मैं रख लूँगी, बाकी इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये मैंने चीज़ और पनीर को डाल दिया है, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। गैस को या तो बिल्कुल मीडियम कर दीजिए या फिर आप बंद कर दीजिए अगर पैन आपका थोड़ा हल्का है तो, नहीं तो हमारी स्टफिंग जो है वो बनके तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, तो ये चिपक जाएगी। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ पनीर और चीज़ को। तो पनीर और चीज़ हमारे बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी प्यारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अभी हमें क्या करना है, मैंने ये आटा लिया है, ये नॉर्मल आटा है जो हम रोटी बनाते हैं, डेली यूज़ में लेते हैं, वही आटा मैंने लगा के रखा हुआ था, रेस्ट पे रखा हुआ था। तो ये बिल्कुल डो बनके तैयार है। तो ये जो नॉर्मल आटा है, ये देखिए मैंने मैदा इसमें बिल्कुल मिक्स नहीं किया है, और इससे हमें क्या करना है, इससे मैं बनाऊंगी दो रोटियां। तो मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर लेती हूं और इसका गोल गोल करके इसकी लोई बना लेती हूं, और इससे मैं बनाऊंगी रोल की रोटी। तो इसको मैंने ये लोई बना ली है, लोई बनाने के बाद में मैं इसको थोड़े से सूखे आटे में लपेट लूँगी और इससे रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने हल्का सा इस पर सूखा आटा लगा दिया है, और अभी मैं इससे रोटी बनाऊँगी। तो ध्यान रहिए, रोल के लिए जो आप रोटी बनाओ वो रोटी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, मोटी रोटी बिल्कुल भी नहीं चलेगी रोल में। तो
अगर लोई आपकी बड़ी है तो रोटी आप थोड़ी और बड़ी बना दीजिए। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल पतली रोटी बना के तैयार कर ली है। इधर मैंने गैस पे तवा रखा है, तवा हमारा गर्म हो गया है और ये जो रोटी बनाई है इसको मैं तवे पे डाल दूँगी और दोनों साइड से मैं इसको हल्का हल्का सेक लूँगी। जैसे हम कच्ची पक्की रोटी सेकते हैं वैसे मैं इसको दोनों साइड से सेक लूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसको सेक दिया है। अभी हमें क्या करना है, मैं इसमें लगाऊँगी घी। ये ऑप्शनल है, आप इसमें ऑयल भी, कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप घी या तेल जो भी आपको अच्छा लगे इसमें यूज कर लीजिए। और दोनों साइड में लगा के इसको अच्छे से इसको दबाते हुए और सेक लीजिए, जैसे हम पराठे को सेकते हैं वैसे ही। तो ये देखिए मैंने घी लगा दिया है और इसको मैं हल्का हल्का नीचे प्रेस करते हुए और सेक लूँगी। तो ये देखिए रोटी को मैंने सेक दिया है, बिल्कुल रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। रोल की रोटी ये देखिए कितनी प्यारी सी की है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी हमें क्या करना है, जो गर्म साइड है उसको ऊपर करके और इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने गर्म वाली साइड को ऊपर कर दिया है और ये जो स्टफिंग है ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि जो गर्म वाली साइड है उससे जो हमारी चीज़ जो मेल्ट नहीं हुई है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये मैंने स्टफिंग इसके अंदर लगा दिया है और हल्का सा जो मैंने चीज़ रखा था ऊपर डालने के लिए वो चीज़ भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, जो गर्म वाली साइड है उस रोटी को अच्छे से ऊपर रोल कर देना है ताकि ये जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए ऐसे करके आप इसको रोल कर दीजिए। ध्यान रहिए रोटी गर्म है तो आप इसको रोल कर दीजिए। ये देखिए एक रोल हमारा बनके तैयार हो गया है, दूसरा रोल भी हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरा रोल भी बना के तैयार कर दिया है, ये दूसरा रोल भी हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया बना है कि ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं। आप तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये पनीर चीज़ रोल की रेसिपी कैसी लगी आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और फ्रेंड्स बना के ज़रूर खाइए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बना के खा के और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।